अस्सलाम वालेकुम माय ड्यूटी फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्यूट सा बेबी शिफान है और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है अब ये बग़ैर सहारे के खड़ा होने लगा है और 1-2 स्टेप चलते भी हैं। और ये जो है नानी के घर पे आए थे अपनी, तो आप लोग देख सकते हैं मास्क वगैरह में, टोपे में, ग्लव्स में, शूज़ में हीरो से बन के आए थे। और ये देखेंगे अभी इतनी प्यारी सी स्माइल करेंगे। तो गाइस शिफान आ चुके हैं और इसके बाद जो है ये भाई ने जो है हमें पार्टी दी थी फ़िश की, ग्रिल फ़िश की। तो ये जो है हमने अपनी फ़िश जो है मैरिनेट करके रख दी थी और ये यहाँ जो है भाई अंगीठी पे जो है आग लगा रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरे घर का जो है बाहर वाला हिस्सा है, स्टेयर्स वाला, वहाँ पर बैठ के जो है भाई ये आग लगा रहे थे। और आप लोग बताएं किस किस को पसंद है फ़िश? और विंटर वेदर में तो बहुत मज़े की लग रही होती है फ़िश, क्योंकि कोल्ड कोल्ड सा जो है हमारा वेदर हो रहा होता है और ये फ़िश गरम गरम होती है तो बड़े मज़े की लगती है। ये देखें ये कितनी यमी लग रही है। और फ़िश का साइज़ देखें आप, ये जो है भाई रख रहे थे ये ग्रिल पर। तो गाइस अगर आप लोग भी ऐसी बनाना चाहें फ़िश तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले अपनी फ़िश को जो है मैरिनेट करके रख दीजिएगा फ्रिज में, देन उसके बाद जो है आप लोगों को अंगीठी यूज़ करनी है और फिर जो है अपनी फ़िश को जैसे ऐसे रख दीजिएगा आप लोग, और बहुत यम्मी सा टेस्ट आता है, कुछ अलग हो जाता है। और गाइस फ़िश के तो वैसे ही इतने फ़वाद हैं, आप लोगों को पता ही होंगे, ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और सर्दियों में तो ये बहुत ही हमारे को इफ़ेक्टिव होती है हमारी बॉडी के लिए। और गाइस आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, अगर आप लोगों को ऐसी मेरी तरह फ़िश अपनी ग्रिल करनी है तो अपनी फ़िश पर जो है ऐसे कट्स ज़रूर लगवा लीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों का मसाला जो है, जो हम मसाला रख करके रखेंगे, वो हमारी फ़िश के अंदर अंदर तक चले जाए। और इससे हमारी फ़िश खाने में भी बड़ी मज़ेदार लगती है, जूसी जूसी सी। और ये आप हमेशा जो है बैठ के देख रही थी अपनी चेयर पे, आप देख सकते हैं। Thank you.
तो गाइस वन बॉल की फिश जो है रेडी हो गई थी हमारी, और साथ साथ हम अंदर भी लेके जा रहे थे ताकि ठंडी ना हो। और सेकंड बॉल की फ़िश जो है हमने ये रख चुके थे, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को फ़िश का नाम भी बताती चलूँ, ये जो फ़िश है ना ये कुंद है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग ऐसे नाम भी बनाना चाहें तो आप लोग जैसे बनाते हैं आप लोग वैसे बना लीजिएगा, लेकिन बहुत मज़े की होती है ये वाली। तो गाइस ये भी हमारी जो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और हमारे कोयले भी अच्छे खासे गर्म हो गए थे जो वो अच्छी हीट दे रहे थे फिश को। ये आप लोग देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है फिश पे। और गाइस मैं आप लोगों को बताती चलूँ, फिश रखने के बाद आप लोगों को हल्का हल्का सा ब्रश से जो है ऑयल लगा देना है ताकि आपकी फ़िश अच्छे से फ्राई हो। और ये हमारी रमीशा मैडम जो है खड़ी हुई थी और ये देख रही थी इनके बाबा क्या कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, हमारी डिश जो है रेडी थी और हम अपनी फ़िश को जो है अंदर ले आए थे और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप लोग देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड अब हमारा फिश वाला ट्रिप तो ख़त्म हो गया था, और अब ये जो है मैं अपने मुन्ने शफान को जो है सुला रही थी, और इनका जो है कोई सोने का मूड नहीं था और ज़बरदस्ती ये सो गए थे शफान झूले में। माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड आई होप आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई हो।